हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि डाइवर्टेड की गई ट्रेन का स्टॉपेज किस तरह से डिसाइड किया जाता है। मतलब कि अगर किसी ट्रेन को उसके रेगुलर रूट से डाइवर्ट करके किसी दूसरे रूट पर चलाया जाता है तो वह किस किस स्टेशन पर रुकेगी, यह कैसे डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी को इसके बारे में पता होना जरूरी है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि किसी नेचुरल क्लाइमेट, इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर ट्रैक का दोहरीकरण या किसी और कारण के चलते किसी ट्रेन को उसके रेगुलर रूट से डाइवर्ट करके दूसरे रूट पर चलाया जाता है। मतलब कि वह चलती अपने सोर्स से ही है और पहुंचती अपने डेस्टिनेशन पर ही है, बट रेगुलर रूट से ना होकर किसी दूसरे रूट से। दोस्तों, ऐसे में दिक्कत बीच स्टेशन पर उतरने वाले पैसेंजर को होती है। ऐसा जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो रेलवे हर तरह से कोशिश करती है कि यात्रियों को इस डाइवर्टेड ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसके लिए स्टेशन पर पहले से ही अनाउंसमेंट की जाती है कि इस नंबर की यह ट्रेन इस रूट के इस स्टेशन से होकर जाएगी। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर इस अनाउंसमेंट से एक बेसिक आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकेगी इसकी पहली जानकारी उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा मिलेगी। दूसरा तरीका है कि आप ट्रेन के ऑन बोर्ड TT से उस ट्रेन के स्टॉपेज की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉपेज किस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो यह डिपेंड करता है उस रूट के स्टेशन और ट्रेन के कैटेगरी के ऊपर। मतलब कि अगर ट्रेन एक्सप्रेस है तो उस डाइवर्टेड रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज जिस स्टेशन पर होगा वह ट्रेन वहां रुक सकती है। दूसरा है कि अगर ट्रेन सुपर फास्ट है तो उस डाइवर्टेड रूट पर सुपर फास्ट ट्रेन के एक्सप्रेस का जिस स्टेशन पर स्टॉपेज होगा वह ट्रेन वहां पर रुक सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सारे कंडीशन उसी स्टेशन के लिए लागू होंगे जो स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन हो या फिर ऐसा स्टेशन जहां से और दूसरे रूट की गाड़ियां वहां से चलती हों, जिससे यात्री वहां पर उतर कर किसी दूसरे ट्रेन को पकड़ कर अपने डेस्टिनेशन को जा सकें। दोस्तों, इन सारी क्राइटेरिया को देखते हुए किसी डाइवर्टेड ट्रेन का स्टॉपेज डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी किसी डाइवर्टेड ट्रेन में यात्रा की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह ट्रेन उस रूट के किस किस स्टेशन पर रुकी थी, ताकि सभी को आपका एक्सपीरियंस शेयर हो सके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो से इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।